सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्तिः शान्तिः वेदो अखिलो धर्म मूलम उवेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है वेदों में मन का स्वरूप इस विषय में चर्चा कर रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं यजुर्वेद के बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं जो हमारे मन को इस जीवन को इस संपूर्ण जगत को शुभ से भरने का बहुत ही सुंदर उपाय है क्योंकि स्वाध्याय करने से हमारे जीवन के जो दुर्गुण हैं जो अवगुण हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं हम अपना आत्म कल्याण से लेकर के पूरे विश्व कल्याण का जो दृष्टिकोण रख पाते हैं जिससे स्वयं का भी और समष्टि का भी व्यष्टि और समष्टि दोनों का कल्याण जिसमें निहित तो होता है उसको हम निसंदेह अपनाते हैं बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है आज मैं चर्चा करूंगा यजुर्वेद के इक्तीसवें अध्याय के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे और इसमें जो मंत्र है बहुत बहुत जो है प्रसिद्ध मंत्र हैं लोगों का स्वाध्याय जब इस प्रकार से होता है तो उनका जीवन भी बदल जाता है मन का जो निर्माण है प्रभु का जो भक्त है वो मन को कैसे नियंत्रण रखता है उसका जीवन कैसे नियंत्रित होता है इस पर बहुत सुंदर चर्चा की है प्रभु का भक्त कैसा बन जाता है तो वेद मंत्र लिखता हूँ यह इकतीसवीं अध्याय का बारहवा मंत्र है ఓం చంద్రమా మనసు చంద్రమా మనసో జాతస్ चक्षु सूर्यो अजायत सूर्यो अजायत श्रोत्रद वायुस्य श्रोत्र द वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि रजायत यजुर्वेद के इकतीसवें अध्याय का मंत्र है। ओम चंद्रमा म मंत्रो चक्षो सूर्यो अजात श्रोत्राद वायुश्च मुखाद मुखादत चंद्रमा मन सो जात चक्षो सूर्यो अजात श्रोत्राद वायुश प्राणस मुखाद अग्निराजात बहुत ही सुंदर बात कही है और एक जो श्रृंखला पिछले मंत्रों से चली आ रही है यहाँ पर कि यह जो संपूर्ण सृष्टि है इस सृष्टि का जो रचयिता है परमपिता परमेश्वर तो यहाँ दसवें मंत्र में एक प्रश्न किया है कि प्रभु को धारण करने वाले मनुष्य के मुख आदि में एक विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो उसे सामान्य पुरुषों से विशिष्ट बना देती है वो कैसे होता है यत्पुरुषम विदु कतिधा विकल्पयन मुखम किमासीत किम बाहु किमुरु पादा उच्चेते तो फिर प्रश्न का उत्तर दिया है कि ब्राह्मणों यस्य ब्राह्मणों मुखा मुखमासीत बाहु राजन्या कृतः उरु तदस्त्य यद्वैश्यः पद्भ्याम् शूद्रो अजायता इस पे बहुत लोगों का अलग अलग विचार रहता है परंतु सत्य तो एक ही होता है परमपिता परमेश्वर वास्तव में जो प्रभु भक्त जान का जो प्रकाशक है जो निर्बलों का रक्षक है सभी का पालक तथा शीघ्रता से कार्यों को करने वाला होता है दूसरे शब्दों में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं जो एक शरीर में भी इसका हम दिग्दर्शन कर सकते हैं इस शरीर में भी जो ऊपर का भाव है वह ब्राह्मण का है हम जब बोलते हैं देखते हैं सुनते हैं जो ज्ञान की अनुभूति कराते हैं तो वास्तव में वह ब्राह्मण के रूप में है और जो इस शरीर की रक्षा करते हैं इसको हर प्रकार से बचाते हैं तो वो बाहुबल जब होता है तो वो क्षत्रिय का कार्य होता है तो भुजाएं हमारे क्षत्रिय का कार्य है करते हैं और क्योंकि इस सबके संचालन के लिए भरण पोषण के लिए आवश्यक है तो उदर यह वैश्य का प्रतीक है और कमर से नीचे पैरों का क्योंकि आना जाना सेवा सत्कार कार्य के लिए आगे बढ़कर के भाग लेना यह जो पैरों का जो शूद्र का कार्य है ये चारों जो वर्ण हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं अगर इसमें अनावश्यक कोई चर्चा करे तो कोई वाद विवाद और अनावश्यक जो बातें बोलते हैं लोग वह उसका कोई औचित्य नहीं है परंतु यह तो ज्ञान का एक विवेक का भाव होना चाहिए कि जैसे इस शरीर में जितना मूल्य पैरों का है उतना मूल्य हाथों का है उतना मूल्य हमारे इस शरीर का उस पूरे मुखमंडल का है ऐसा यदि पैर में कांटा चुभता है तो आंसू कहाँ आते हैं आंसू तो आंखों में आते हैं ये जो ब्राह्मण जिसको हम कहते हैं आंखों में आंसू आते हैं यदि कोई वार करता है तो बचाता कौन है हाथ बचाते हैं पैर में जो कांटा लगा उसको निकालता कौन है हाथ से निकालते हैं उसको तो ये जो एक क्योंकि लंबा विश्लेषण है हम इस बात को समझें कि ये जो समाज है ये जो हमारा शरीर है जो उस गुणकर्म स्वभाव के अनुसार जो एक निर्माण है यह बिना किसी भेदभाव के अपने अपने गुणकर्म के अनुसार इसको जो है रचा गया है बनाया गया है जिसका जैसा गुण है यदि जंगल में शेर आ जाए हम जंगल में हैं, तो कौन भागेगा हाथ से तो भाग नहीं सकते हाथ बोले कि मैं कुछ नहीं करूंगा पैर बोले मैं भी नहीं जाऊंगा तो क्या ये जो ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला ये मुख मंडल है ये क्या सुरक्षित रहेगा कभी नहीं रह सकता अगर कोई कष्ट हो जाए पैर में हाथ में तो जो औषधि खाने का काम करते हैं तो हम मुख से ही करेंगे यदि कहीं लेप भी करना है तो हाथों से करेंगे तो ये एक दूसरे की पूरक हैं इसलिए ये जो अल्पज्ञ लोग हैं या जो इस भेद को इस व्यवस्था को नहीं जानते हैं उनके मन में अनेक प्रकार के विषय अनेक प्रकार के विचार अनेक प्रकार के कुविचार जो है घूमते रहते हैं जो समाज को भी दूषित करते हैं हम उत्तम जीवन बन इसका हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए प्रभु भक्त जान का प्रचारक निर्बलों का रक्षक सभी का पालक तथा शीघ्रता से कार्य करने कार्यों को करने वाला होता है और इस प्रकार से वह जीवन जीता है इसी प्रकार से प्रभु का भक्त कैसा बन जाता है इस वेद मंत्र में कहा है कि जो है मनसा मनसा मन से यह प्रभु भक्त चंद्रमा चंद्र हो जाता है चंद्र शब्द चदी अहलाद ने दीपा जो जो है अहलाद प्रसन्नता का संकेत करता है इसका मन सदा प्रसन्नता से युक्त होता है मना प्रसाद ही सर्वोत्कृष्ट तप है संसार के सुख दुख उसके मन को क्षुब्ध नहीं करते हैं यह चंद्रमा के समान अहलाद में रहता है याद रखना चाहिए यदि आह्लाद ने दीप ऊंचा जो प्रकाश से युक्त है शीतलता भी देता है और आनंद भी बिल्कुल शीतल ठंडा ठंडा कूल कूल अनुकूल रहता है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसलिए भगवान शिव देवाधिदेव भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है शोभित है तो उसका तात्पर्य यही है कि जो वास्तव में उत्तम मन वाले होते हैं क्योंकि मन चंद्रमा से संबंधित है तो चंद्रमा जैसे शीतल है वैसे हम भी शीतलता से युक्त हों प्रसन्नता से युक्त हों उत्साह से युक्त हों और हम अहलाद से युक्त हों हम यदि आहलाद से युक्त हैं तो जहां भी बैठेंगे जिनके पास भी बैठेंगे उनके पास भी उनको प्रीति पूर्वक और बहुत ही उनको भी आह्लाद देंगे प्रसन्नता देंगे ये प्रसादे सर्व दुखानाम हान्य सोप जायते प्रसन्न चेत सो या बुद्धि प्रसन्न रहना मन को उत्साह में रखना ये बहुत बड़ी निधि है चाह के भी लोग प्रसन्न नहीं रह पाते आहलाद में नहीं रह पाते क्यों क्योंकि उनके मन में मलिनता होती है मन में पाप होता है मन निश्चल नहीं होता है वह निष्कपट नहीं होता है उसमें कपट होता है उसमें जब द्वंद होता है उसमें जब पाप होता है तो व्यक्ति अपने आप अप्रसन्न रहता है वह प्रसन्न नहीं रह सकता है किसी भी संसार की दौलत से मन की प्रसन्नता को खरीदा नहीं जा सकता इसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता है यदि ऐसा हो तो जो व्यक्ति निर्धन है वो सदा अप्रसन्न रहेगा और जिसके पास धन है वो सदा प्रसन्न रहेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है जो पवित्र भाव रखता है जिसके मन में कोई द्वंदु नहीं है जिसके मन में कोई पाप नहीं है कोई पाप उसने किया नहीं है और पाप करने का मन भी नहीं करता है तो वह सदा प्रसन्न रहेगा इसलिए मन की बड़ी महिमा है और वह जो है शोक संताप से बचेगा और उसका जो स्वयं का प्रकाश है अपने लिए भी और संसार के लिए भी उत्तम होता है इसलिए मन को चंद्रमा के समान शीतल रखें तो कठौती में गंगा तो ये बात कही है दुख को सुख को सहन करने वाला बनता है या चंद्रमा के समान सदा आहलाद में रहता है चक्षु हो चक्षु से सूर्य अजायत हो जाता है जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल करके अंधकार को नष्ट कर देती हैं इसी प्रकार इसकी जो चक्षु से जान की जो किरणें हैं प्रसृत होकर के लोगों के अज्ञान को समाप्त कर देती हैं ऐसा ही व्यक्ति विलक्षण कहलाता है ये जान का प्रकाश व्यक्ति के जीवन के अंधकार को नष्ट कर देता है जहाँ प्रकाश है अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं है घने से घने अंधकार में एक छोटा सा टिमटिमाता दीपक भी हम रखते हैं तो जितनी उसकी परिधि है उतने में अंधकार का साहस नहीं है अंधकार वहां छू भी नहीं सकता जहां पर दीप जलता है तो जहां पर ज्ञान का प्रकाश है वहां पर अंधकार हो ही नहीं सकता वहां पर मन में विकार हो ही नहीं सकता जीवन में विकार हो ही नहीं सकता इसलिए प्रार्थना करते हैं हे प्रभु आनंद सिंधु जान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरव्रत धारी बने वीरव्रत धारी बने गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में भूल कर अपकार में, कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता जान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए तो वो प्रभु जान का दाता है हे जान रूप भगवन हमको भी जान दे दो करुणा की चार छीटे करुणा निधान दे दो हे जान रूप भगवन दाता तुम्हारे दर पे किस चीज की कमी है प्रभुवर तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है किस चीज की कमी है चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो करुणा की चार छीटे करुणा निधान दे दो हे जान रूप भगवन सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को जीवन की उलझनों को रजारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो करुणा की चार करुणा निधान दे दो हे जान रूप भगवन तो परम पिता परमेश्वर ज्ञान का सागर है और वह कल्याणी वेदवाणी के माध्यम से हमको जान देता है तो चक्षु जो जान का प्रतीक है जो प्रकाश का प्रतीक है और कहा कान से वायु प्राणश्च वायु और प्राण होता है का प्रथम अर्थ है कान और कान से वायु गतिशील व गति व गति गंधनयो बनता है अर्थात इसे कोई बात कही जाती है तो उसे ध्यान से सुनता है और तदनुसार कर्म करता है कार्य करता है जो है एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल नहीं देता सुनना और करना यही श्रोत्र का वायु बनता है श्रोत्र का दूसरा अर्थ योग्यता है है उन्नति 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 विशेष जान जान की इस जान की इस से प्राण बनता है। अर्थात जान की उन्नति से प्राणों को उन्नत करता है और मुखात अग्नि अजायता अग्नि के दो कार्य होते हैं योजन और भेदन यह प्रभु भक्त भी योजन और भेदन की गतिविधि से युक्त तो होता है शक्ति से युक्त तो होता है ऐसा मुखवाला हो जाता है वर देकर यह किसी भी कार्य का उत्तम योजन कर देता है और यदि श्राप दे देता है तो भेदन भी कर पाता है केवल मिलाने वाला है न कि मिटाने वाला प्रभु भक्त सदा प्रसन्न प्रकाशमय गतिशील प्राण शक्ति संपन्न और अग्नि के समान योजक व भेदक बनता है दुर्गुणों का नाश करने वाला बनता है तो बहुत सुंदर चर्चा और आगे भी करेंगे अभी यहीं पर विराम लेते हैं ओम शांति शांति शांति